हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे हम आयकर पदाधिकारी, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। वैसे इनकम टैक्स मैं आज पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि इस इनकम टैक्स का लगभग 37 लेक्चर्स आपके पास चला गया है, लेकिन रिस्पॉन्स देख रहे हैं उस वीडियो पर नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ा मेरा भी मन टूट गया था कि क्या बनाया जाए इनकम टैक्स का। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, जिसमें एक सचिन श्रीवास्तव हैं, ये भी कमेंट कर रहे थे। तो बाबू सचिन, ये आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं खास तौर से, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा आया था और भी बच्चों का भी आया था। सबका कमेंट मैं देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई समय के अभाव में नहीं कर पाता हूँ। तो एक बार और ट्राई करते हैं इनकम टैक्स का वीडियो बनाकर। यदि रिस्पांस आया तो मैं आगे इसी तरह बनाता रहूँगा, और रिस्पांस नहीं आया तो भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो यदि वीडियो आप चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि वीडियो को हमारे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने से हमको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो आपको होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा कि भाई आपको पढ़ाई हो जाएगी। हमारा तो थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो भाई और इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, तो बनाने में मन करेगा। इम्प्रेशन अच्छा नहीं वीडियो का रहेगा, रिस्पांस अच्छा जाएगा तो बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू सचिन, आपके लिए खास तौर से सचिन श्रीवास्तव, कि अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए, कम से कम उससे जानकारी तो होती है कि भाई बच्चे किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ का नहीं डिमांड कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अब जो जहाँ छूट गया चैप्टर वो छूट गया, लेकिन आगे के चैप्टर कम से कम कवर करिए। इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब आयकर पदाधिकारी। इसमें हम जानेंगे कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में, पदाधिकारी किस 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 टाइप के होते हैं और उनका क्या सीक्वेंस होता है, उनके क्या कार्य होते हैं, उनके पास पावर क्या होती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ इनकम टैक्स पदाधिकारी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो तरीके कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। पहला इसमें है न्यायिक कर्मचारी और एक होता है कार्यकारी कर्मचारी। इसमें दो तरीके के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। पहला है कार्यकारी कर्मचारी और दूसरा होता है न्यायिक कर्मचारी। न्यायिक कर्मचारी, कार्यकारी कर्मचारी का मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी कार्य होते हैं टैक्स से रिलेटेड, कर से संबंधित, आयकर से संबंधित, उस सारे कार्य कार्यकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। न्यायिक कर्मचारियों में होता है कि इनकम टैक्स में कुछ न्यायिक कार्य भी होते हैं। न्यायिक कार्य का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई समय से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी, उसमें क्या निर्णय डिसीजन दिया जाएगा, उसमें किस तरह से पेनाल्टी लगाई जाएगी, उसके बाद भी वो नहीं भुगतान कर रहा है तो उस पर क्या, मतलब दंडात्मक कार्यवाही या न्यायिक कार्यकारी या न्यायालय से संबंधित कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ये सब न्यायिक कर्मचारी में आता। इससे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि इस एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुख्यतः कौन कौन से कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। तो सबसे टॉप लेवल से हम चलते हैं। इनकम टैक्स पदाधिकारियों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 116 के अंतर्गत की गई है। किसमें की गई है? अंडर सेक्शन 116 में की गई है। वो 116 में क्या कहा गया, लेकिन हम इसको जानने से पहले बेहतर है हम इसको हम इधर जानते हैं। अंडर सेक्शन 116 में कहा गया है कि सबसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे टॉप लेवल पर जो होता है वह होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्योंकि इनकम टैक्स जब मैं स्टार्ट किया था उस समय बताया था
कि आयकर जो विभाग होता है वो इनकम टैक्स का भारत सरकार का एक समझिए मुख्य विभाग है, कर से रिलेटेड एक तरह से डायरेक्ट टैक्सेस होता है, और सीधे इस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा, मतलब एक संगठन एक संस्था होती है जो सबसे टॉप लेवल पर होती है, जो इनकम टैक्स का समझिए कि एक तरह से हेड है, वो होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। सबसे ऊपर जो संस्था होती है टॉप लेवल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड में ही बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स टैक्स से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उस कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे जैसे दिशा निर्देश होता है वो दिशा निर्देश कर देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सारा इस बोर्ड के द्वारा ही होता। इसके बाद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जस्ट नीचे क्या होते हैं? आयकर प्रधान महानिदेशक जनरल। आयकर प्रधान महानिदेशक जनरल, इसको एक दूसरा भी नाम से जाना जाता है, आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त। आयकर प्रधान क्या कहा जाता है? आयकर प्रधान मुख्य निदेशक। मुख्य निदेशक जनरल, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो क्या, किस नाम से जाना जाता है? आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त। किस नाम से? आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त। ध्यान से समझिएगा, आयकर प्रधान मुख्य निदेशक जनरल, ठीक ना, मतलब चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ही को एक दूसरा नाम है आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त, मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे, तीसरे जो अधिकारी होते हैं टॉप थ्री नंबर पे, वो होते हैं आयकर महानिदेशक। आयकर महानिदेशक, उन्हें कहा जाता है आयकर महानिदेशक। क्या कहा जाता है? आयकर महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इन्हीं को कहा जाता है मुख्य आयकर आयुक्त। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मुख्य आयकर आयुक्त। आयुक्त माने होता है कमिश्नर, मतलब चीफ कमिश्नर, ठीक ना, या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इसी के बाद से चौथे नंबर पर, मतलब ये टॉप थ्री के बाद से जो पद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सृजित होता है उसको कहा जाता है आयकर प्रधान। आयकर क्या कहा जाता है? आयकर प्रधान निदेशक। प्रधान निदेशक, इनका दूसरा एक नाम भी होता है जिसको इन नाम से भी जाना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आयकर प्रधान आयुक्त। आयकर प्रधान आयुक्त, ठीक है। इनके बाद जो नंबर आता है, सब समझिएगा, ग्रेड वन के ऑफिसर्स हैं ये। इनके बाद नंबर आता है आयकर निदेशक का। आयकर निदेशक मतलब डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनका भी दूसरा एक नाम होता है, वो कहा जाता है आयकर आयुक्त। आयकर आयुक्त मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके बाद भी एक पद सृजित होता है, मतलब टॉप से हम डाउन की ओर जा रहे हैं, वो होता है अतिरिक्त आयकर निदेशक। वह पद है अतिरिक्त आयकर निदेशक। आयकर निदेशक,
ठीक है। इनका दूसरा नाम है, इन्हें कहा जाता है आयकर, अतिरिक्त आयकर निदेशक को अतिरिक्त आयकर कमिश्नर, अतिरिक्त आयकर आयुक्त। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे और भी लोग होते हैं जो सेम इक्वल पद का होता है, जैसे अतिरिक्त आयकर निदेशक अपील या अतिरिक्त आयकर आयुक्त अपील, ये भी ये सेम पद है। मैंने इनके नाम के आगे एक अपील शब्द जुड़ा रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, अपील मतलब ट्रिब्यूनल्स, यहां अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपील की जाती है, मतलब न्यायिक कर्मचारियों के लिए, यहां पर डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, कार्यकारी के लिए अलग और न्यायिक के लिए अलग। फिर इसके बाद से अगला पद जो सृजित होता है वो आपका होता है आयकर संयुक्त निदेशक। क्या होता है? आयकर संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक। इन्हीं का दूसरा नाम है आयकर संयुक्त आयुक्त, मतलब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अगला होता है उप निदेशक आयकर। इसके बाद जो पद सृजित होता है वह उप निदेशक आयकर। इनका दूसरा नाम क्या है, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? उपायुक्त आयकर, उप आयुक्त आयकर। ठीक है। इसके बाद से भी पद होते हैं, वह पद क्या होता है? वो होता है सहायक निदेशक आयकर। क्या होता है? सहायक निदेशक आयकर, इनको कहा जाता है सहायक आयुक्त आयकर। ठीक है। इनके बाद जो पद होता है वह सीधे होता है आपका आयकर अधिकारी का। यहां से शुरू होते हैं छोटे छोटे पद, आयकर अधिकारी। आयकर अधिकारी के नीचे भी होते हैं पद, वो क्या होते हैं? कर वसूली अधिकारी, जो टैक्स का कलेक्शन करते हैं, कर वसूली अधिकारी। और लास्ट इनके नीचे एक और पद होता है कर निरीक्षक, मतलब आयकर निरीक्षक, आयकर निरीक्षक, ये पद होते हैं। तो एक आयकर विभाग में एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत अधीन इतने सारे पद सृजित किए गए हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं। इस सारे पद कार्यकारी और न्यायिक दोनों होते हैं। प्रश्न अभी ये उठता है यहां पे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले हम नियुक्ति पे चलते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, क्योंकि आयकर विभाग भारत सरकार का विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है। तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और केंद्र सरकार में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है वह बोर्ड जिस व्यक्ति को चाहे, व्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आम पब्लिक, मतलब कि जो उस डिपार्टमेंट में जिस पद के लिए वास्तव में योग्य है, उस व्यक्ति की योग्यता अनुभव के आधार पर उनके अनुसार पद पर नियुक्त कर सकती है। माने बोर्ड के सदस्यों के पास नियुक्ति करने के संबंधित अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। सारे अधिकार कर्तव्य उस किसके पास होते हैं? इस बोर्ड के पास होते हैं, ठीक है। तथा इन पर नियंत्रण जो किया जाता है, नियंत्रण ये भी इन्हीं केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न है कि ये विभाग कार्य क्या करता है,
ये विभाग यही कार्य करता है कि अपने जितने भी क्षेत्र में करदाता हैं, जितने भी करदाता हैं जो वास्तव में टैक्स चुकाने के योग्य हैं, उनके कर का निर्धारण करने का कार्य इस डिपार्टमेंट में किया जाता है कि टैक्स आपका भाई इतना हुआ, इतना पेमेंट कर दीजिए। टैक्स में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके नोटिस दी जाती है, तमाम प्रक्रियाएं आयकर से संबंधित की जाती है। प्रश्न यह है कि इस बोर्ड को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, कि जो भी पदाधिकारी हैं, ये सब पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों को कुछ अधिकार शक्तियां भी दिए गए हैं, उन अधिकार शक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं ये भी जानिए। मतलब पदाधिकारियों को अधिकार और शक्तियों का प्रावधान, पदाधिकारियों को अधिकार व शक्तियों संबंधी प्रावधान। मतलब इस बोर्ड को या इन पदाधिकारियों को क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या प्रावधान है उस संबंध में। पहला दिया गया, मैंने ये कौन कौन से इनके पास पावर्स है, कहने का मतलब ये है कि जो ये पदाधिकारी हैं इनके पास क्या पावर है, कैसे काम करते हैं। पहला, खोज यूं सबूतों को उत्पन्न करने से संबंधित अधिकार। पहला क्या है, खोज व सबूतों को उत्पन्न करने संबंधी अधिकार, पहले लिख लीजिए, खोज व सबूतों को उत्पन्न करने संबंधी अधिकार। खोज व सबूतों को उत्पन्न करने संबंधी अधिकार का मतलब क्या है कि वह अपने क्षेत्र के करदाताओं को खोजते हैं कि कौन वास्तव में टैक्स के देने के योग्य है, उनको प्रूफ को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद टैक्स लगाते हैं, तो इनको ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। और क्या अधिकार मिला है, तलाशी व जब्तीकरण करने का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है, तलाशी व जब्तीकरण करने का अधिकार। ये कैसे अधिकार है, तलाशी का मतलब है कि यदि कोई करदाता निर्धारित समय पर टैक्स नहीं चुकाता, वास्तव में वो टैक्स चुकाने का उत्तरदायी है लेकिन चुकाता नहीं है, टैक्स में कुछ गोलमाल करता, मतलब बचाता है, कर की चोरी करता है, ऐसी दशा में इन अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि उनके हिसाब किताब की पुस्तकों को जब्त कर ले, तलाशी ले और सही टैक्स की गणना करे, इनके पास इस तरह के अधिकार प्राप्त है। अगला कौन है, क्या अधिकार है, लेखा पुस्तकों को मांगने का अधिकार। ये कौन से अधिकार है कि जब कर निर्धारण अधिकारी को, मतलब इन अधिकारियों को, यदि ये लगता है कि कोई करदाता जितना वास्तव में टैक्स देना चाहिए उतना टैक्स नहीं दिया, कुछ कम दिया है, तो ऐसी दशा में उसको एक सूचना या नोटिस के द्वारा उसके लेखा पुस्तकों को मांग सकते हैं ताकि सही टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके, इनके पास ये भी पावर होता है। अगला क्या है, सर्वे करने का अधिकार। सर्वे का मतलब होता है कि अब क्षेत्र में घूमकर यह पता लगाए कि कौन करदाता है, कौन करदाता नहीं है, कौन करदाता है जो वास्तव में टैक्स देना चाहिए दे नहीं रहा है, इस चीज का उन्हें निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होता है। अगला क्या है, निर्धारित सूचनाओं को एकत्र करने का अधिकार। और कौन सा है, निर्धारित सूचनाओं को एकत्र करने का अधिकार। ये भी इनको अधिकार है कि जो भी जिस भी प्रकार की सूचना है उन सूचनाओं को कलेक्शन करें और कलेक्शन करने के बाद उसी के अनुसार अपना कार्य करें। और भी एक अधिकार है
कि यदि कई कंपनी तो कंपनी के भी रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार है। किस चीज की? कंपनी की पुस्तकों को निरीक्षण करने का अधिकार ये भी इन्हें अधिकार प्राप्त है। तो कहने का मतलब है कि हमारे आयकर पदाधिकारियों में सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं और इन पदाधिकारियों के पास ये सब पावर्स होती हैं। तो फिलहाल इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आयकर पदाधिकारी में आप पढ़ेंगे कि एक कर निर्धारण अधिकारी क्या होता है, उसके पास क्या कार्य होते हैं और क्या उसके पावर्स होते हैं, कमिश्नर व मुख्य कमिश्नर जो आयकर विभाग के हैं उनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस इस वीडियो में जानें कि आयकर पदाधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, क्या किस तरह की कर्मचारियों की इसमें नियुक्ति की जाती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, इनके पास पावर्स क्या हैं, ये इस वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और जो बाबू वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चाहते हैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, तो थोड़ा सा हमारे वीडियो को प्रमोट करिए, बस ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 फ्रेंडों के पास अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो देखें, उन्हें भी लाभ मिले और थोड़ा हमारा भी मनोबल बना रहे कि रिस्पॉन्स अच्छा जाएगा तो वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।